चुनाव आचार संहिता की आड़ में यातायात पुलिस चेकिंग के नाम पर दुर्व्यवहार कर रही है और परेशान भी कर रही है। इस कारण आम जनता, जो वयस्क होकर मतदाता भी है, वह परेशान होकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार को दोष दे रहे हैं। इसी मुद्दे पर आज संभागीय कांग्रेस प्रवक्ता मंजूर बेग ने आईजी और डीआईजी को ज्ञापन सौंपकर उनसे आग्रह किया कि वे स्वयं आम नागरिक बनकर सादे वाहनों में चौराहे चौराहे पर पहुंचे और देखे कि पुलिस इस तरह का दुर्व्यवहार कर रही है। पुलिस जवानों द्वारा चेकिंग के नाम पर चलती गाड़ी से चाबी निकाल ली जाती है, लोगों को चेकिंग के नाम पर खड़ा कर दिया जाता है, कोई अस्पताल जाता है तो उसे अस्पताल नहीं पहुंचने दिया जाता है। यातायात पुलिस की कार्रवाई से कोई नौकरी पर देरी से पहुंच रहा है और बदनामी कांग्रेस सरकार की हो रही है। ज्ञात रहे कि पूर्व में भी राजबाड़ा पर एक अधिकारी ने कांग्रेस नेता को रोककर वीडियो बनाकर हीरो बनने की कोशिश की थी। वहीं कुछ समय पूर्व ही कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के भतीजे पार्षद अभय वर्मा को भी रोककर दुर्व्यवहार किया गया। संभागीय कांग्रेस प्रवक्ता मंजूर बेग ने कहा कि उनके द्वारा इस मुद्दे पर मंत्री तुलसी सिलावट के माध्यम से मुख्यमंत्री कमलनाथ को भी जानकारी पहुंचाई जा रही है। वहीं गृह मंत्री बाला बच्चन को भी इसकी शिकायत की जाएगी। डीआईजी और एसएसपी मैडम को हमें ज्ञापन इसलिए देने आए थे, इंदौर शहर में जो चुनाव आचार संहिता के आड़ में ट्रैफिक पुलिस और जिला प्रशासन की जो पुलिस चेकिंग चल रही चुरा चुरा वो करना अच्छी बात है, लेकिन कुछ नए अधिकारी जो गंदा माहौल बना रहा है, किसी को भी रोकते और बात मंत्री की करते। पूर्व में भी एक अधिकारी ने मंत्री की बात की थी और उसको वायरल करा दिया, तो इससे शासन की और प्रशासन की छवि जो घुमिल हो रही थी, तो आज उनको हमने अवगत करा दिया। भाई शहर में आप चेकिंग कर रहे हो तो उसमें सीधे सीधे आप जिसके कागज नहीं है आप उसका चालान बनाइए, या आप निर्देश दे चुके हो जिसके कारण बिना ब्लेड की गाड़ी है उसकी जांच कर लो, नई गाड़ी है उसके कागज जो बिल बना के कंपनी देती है उसका चेक किया जाए।